तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग के पास अगर ये ब्लूटूथ प्रिंटर है तो उसमें से आपके पास एक सवाल होगा कि हम इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग के लिए यूज करें। बेसिकली डिजिपे वगैरह में तो प्रिंट स्टोर मिलता है, वहां से आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन बाकी जैसे कि मैं पेटीएम का यूज करता हूँ का, तो इसमें अलग से सॉफ्टवेयर लगती है प्रिंटिंग करने के लिए। जैसे हमारा फोन या रिसिप्ट अगर प्रिंट पे क्लिक करें तो एक प्रिंट होने का पीडीएफ जो होता है उसे प्रिंट करने का सॉफ्टवेयर चाहिए जो इसे प्रिंट कर सके। तो आज हम बात करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर जो यूज करें, यूज करने के बाद कुछ लोग पैसे मांगते हैं, तो फ्री में कैसे ब्लूटूथ प्रिंटर डिवाइस जो मैंने 80 पोस्ट लगभग एक साल पहले लिया था, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसा इसका फीडबैक है, बहुत ही मस्त प्रिंटिंग क्या चल रहा है, आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। एंड एक तो रिसिप्ट प्रिंट निकाल ही निकाल सकते, मैनुअली कुछ टाइप करके निकालना हो तो उसके लिए भी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इस वीडियो के ऊपर लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम आप इसके बारे में बात करने वाले, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपके पास ये ब्लूटूथ प्रिंटर है एंड इसकी सॉफ्टवेयर जानना है कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना अच्छा है उसके ऊपर, तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए ब्लूटूथ प्रिंटर को यूज करने के लिए मुख्य दो सॉफ्टवेयर है, एक रॉ बीटी एंड दूसरा जो है वो ESC पोज प्रिंटर। मैं रॉ बीटी का यूज नहीं करता हूँ, वहाँ पे एक चीज बढ़िया है कि आप अपना पर्सनली वाटरमार्क लगा सकते हो, लेकिन मैं जब उसे फिंगरप्रिंट अटैच करता मोबाइल में तो जैसे पॉपअप आता है एक्सेस करने के लिए तो रॉ बीटी भी शो करता है, जो मुझे सिक्योरिटी एक मामले में सही नहीं लगा। मैं यूज करता हूँ, आपको अगर मैं दिखाऊँ मेरे फोन में तो यहाँ पे ESC पोज प्रिंट। अब इस प्रिंट को आप लोग कुछ दिक्कत आएगी यूज करने में, कुछ प्रिंट के बाद ये कहेगा कि इसे परचेस करो वरना प्रिंट नहीं देगा। तो मैं बता दूं, मैंने इसे कंटिन्यूसली यूज कर रहा बिना परचेस के, बिना एक रुपया पे किए, और मैं कौन सा ट्रिक यूज करता हूँ मैं आपको बताऊँ। देख सकते हो कि एड वगैरह थोड़े बहुत आती है, एप्लीकेशन खोलने का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ता है, और गो टू प्रीमियम का ऑप्शन है जो मैंने नहीं कर रखा लिया। यहाँ पैसे मांगते हैं इसके लगभग 830 रुपए के आसपास। इसको यूज करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस अपने मोबाइल से ब्लूटूथ प्रिंटर को पेयर कर लो। पेयर करने के बाद आप जो भी प्रिंटिंग निकाल दो, जैसे मैंने कि यहाँ पे ये हमने निकाल रखा है, इसे ओपन किया, जब पेयर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंट प्रीव्यू शो कर जाएगा। यहाँ पे नहीं शो करे, टैप करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ESC पोस्ट प्रिंट, एंड यहाँ पे प्रिंट जैसे करोगे ना आप, अगर इसकी कोटा पूरा हो चुका है जितने होता है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये प्रिंट प्री सर्विस इतना सक्सेसफुल, प्लीज अपग्रेड टू कंटिन्यू यूजिंग दिस सर्विस। जैसे ये दिखाए ना, इसे छोड़ देना है, कुछ ओके ना कैंसिल करना है। जब आपके इसके जो लिमिट्स होते हैं जितने बार फ्री देता है, 50 से 100 बार शायद है, वो पार होने के बाद छोड़ देना। देखो मैं छोड़ दिया हूँ, हमारा प्रिंटिंग निकल गया, ये खुद ब खुद हट जाएगा, ये 2 से 5 सेकंड लेता है। तो ये तो हो गई बात, प्रिंटिंग हमने निकाल दिया जिससे प्रिंट, और मैं प्रिंटिंग दिखाऊं तो क्वालिटी अगर देखो तो अभी भी मैंने एक साल के करीब हो गए लिए हुए लगभग, और क्वालिटी अभी भी अच्छी आती है, साइड कितने उठे कितने बचे सारे चीज़ अच्छे से दिख जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमने प्रिंटिंग मशीन से एप्लीकेशन ऊपर प्रिंट करके, कौन सा एप्लीकेशन यूज करें जिसमें कोई पैसा ना लगे, कोई चार्ज ना, नॉर्मली प्रिंट हो जाए। तो मुझे बढ़िया लगा है ESC पोस्ट प्रिंटिंग, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड का, आप वहां से कर सकते हो। अब बात आते हैं कि मैनुअली कुछ प्रिंट करना है, मैनुअली मतलब ये कुछ भी टाइप करके प्रिंट करना। अब देखो मैनुअली से मेरा पर्पस है कि मैं स्पेशली रिडीम कोड देता हूँ, बच्चे लोग आते हैं रिडीम कोड लेके जाते हैं, रिडीम कोड से मालूम है गूगल प्ले की बैलेंस मिलती है, फिर आप हाथ से लिख के दो। तो मैं यहाँ इसकी जगह मैं यूज करता हूँ ये ब्लूटूथ प्रिंटर एप्लीकेशन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाली बहुत ही सिंपल से मैंने ऐसा फॉर्मेट बना रखा, देख लो इस प्रकार से, और मैं बस यहाँ पे रिडीम कोड को पेस्ट करता हूँ, डॉलर के आगे पैसे का सिंबल लगाता हूँ, टॉप पे फाइंड अ प्रिंटर करते और ब्लूटूथ प्रिंटर जो मेरा सेलेक्ट वो करता हूँ। जैसे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपको दिख जाएगा सक्सेस कनेक्ट, डिवाइस कनेक्टेड, और प्रिंट पे टैप करता हूँ, प्रिंट निकल जाती है। और मैं दिखाऊं प्रिंट क्वालिटी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि पेपर कौन सा ले प्रिंट के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था कौन सा पेपर अच्छा है। तो अगर पेपर की बात की जाए, इसमें पेपर कौन सा यूज़ कर, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो प्रिंटिंग साल भर हो गए यूज़ करने के लिए, कितनी अच्छी प्रिंट आई, मैंने पहले ही बता दिया इसकी क्वालिटी जो होती है पेपर की होती है, पेपर को हीट करोगे तो अपने आप काला हो जाएगा, और हीटिंग या थर्मल प्रिंटर बोले तो हीटिंग प्रिंटर ही कहा जाता है। प्रिंटर को जब भी एक केस निकाले चेंज करने के लिए ख्याल रखे लाइन को कट कर दे, अगर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लगाते हैं तो मैंने कई बार मेरे प्रिंटिंग में ना जो सो लिखा लिखा प्रिंट पेपर बर्बाद हो जाते थे, लाइन पहले कट करना है भाई, इसमें बैटरी नहीं होती है। तो लाइन काटने के बाद आप इसको आराम से ओपन, देखो मैंने बता दिया था पेपर की क्वालिटी होती है, मैं अभी 2 पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये पेपर पतला होता है और मैंने कहा था इस पर ऐसे रख के और नाखून से ऐसे करना, अगर ये ब्लैक हो गया अच्छा खासा ब्लैक हो रहा मतलब ये पेपर अच्छी है, और मैं एक और पेपर मेरे पास था पहले से जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, अगर उसे मैं रख कर एंड नाखून से इसे भी स्केच करता हूँ तो उतनी ब्लैक नहीं होती है,
उतना ब्लैक नहीं कर पाता है, मतलब उतनी अच्छी प्रिंट ये पेपर नहीं दे पाता। मैं आपको साया लाइव दिखा के दिखा दूँ कि प्रिंटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, जिसमें लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा आप। मैंने ओपन किया एंड उसी चीज़ को मैं प्रिंट करूँ, देखो आप प्रिंट निकला, और मैं क्वालिटी दिखाऊं प्रिंट की तो कैसी निकलती। मैंने मैनुअली प्रिंट किया हूं, जो रिडीम कोड में देता हूं, और देख सकते हैं क्वालिटी आप डिफरेंस दोनों की। तो ये था कॉन्सेप्ट। अगर आप ब्लूटूथ प्रिंटर मशीन रखते हो तो रिडीम कोड का भी काम करो, मैनुअली टाइप करें, ऐसे काम करो जिससे इससे आप लगाए हो पैसे तो इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट कमा सको। और अगर आप एपीए से काम करते हो, प्रिंटिंग सभी लोगों को दें, क्योंकि इससे एक सुरक्षा की तरह से आपने क्या लेन देन किया एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उनको देते हो, तो वो भी बेफिक्र, आप भी बेफिक्र, एंड काम करने में भी काफ़ी अच्छा होता है। क्या लिखो पढ़ो, क्या बचाने भी, सारे चीज़ एक ही चीज़ देने के लिए। एंड मैं सीएससी से ही मंगा रखा हूँ, ये मेरा स्पेशली रिव्यू है, ये 2900 रुपये के आसपास आता है, ब्लूटूथ वाली है, और इसका यूज़ करने में काफ़ी बेहतर है, कोई तरह की कोई दिक्कत मुझे अभी तक इसमें नहीं आई है, लगभग जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस इसमें बैटरी वगैरह नहीं है, मैंने सीएससी से बैटरी ले, प्रिंटिंग पे उतना अच्छा प्रिंटिंग मुझे देखने को नहीं मिलता है। तो मैं दोनों का दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैनुअली टाइप कर सकते हो, और आप जिसमें एक से ज्यादा बार यानी कि रिपीट प्रिंटिंग करते रहो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको खरीदना है ये वाली मशीन 80 पोस्ट, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यूज करने काफी अच्छा है, ऑनलाइन मंगा सकते हो, 2900 से 3000 बीच मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट रखना सस्ता मिल जाए तो आप ऑफलाइन से भी ले सकते हो। अभी तक तो कोई सुने इसमें कोई रिफिलिंग, कोई प्रिंटिंग, कोई काटे कुछ नहीं लगता, बस ये हीट करता है, और सारी कमाल तो पेपर की होती है। देखो मैं 2 पेपर के सामने प्रिंट किया था, दोनों आपके सामने देखने को मिल जा रहा है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो बनाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो के प्रति कोई सुझाव आपकी राय, कोई प्रॉब्लम पड़ता नहीं, या फिर ये ब्लूटूथ प्रिंटर आपके पास कोई है तो उसकी क्वालिटी प्रिंटिंग कैसी है, या फिर पेपर है तो इसकी रिलेटेड कोई राय कि कैसी पेपर अच्छी होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदने अच्छा रहता है। ऑफलाइन पेपर मंगाया था, लगभग 10-15 रुपये की एक आती है, और अच्छा लंबा टाइम तक प्रिंटिंग मुझे देता, क्योंकि पेटीएम में ज़्यादा लंबी रिसिप्ट नहीं, छोटी छोटी रिसिप्ट, इतनी ही बड़ी रिसिप्ट निकलती है एक उंगली के बराबर की। तो वीडियो अच्छा लाइक कर दोस्तों, शेयर कर, चलिए पहली बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब क्या किया है, सब्सक्राइब फटाक से कर दो। मिलते हो कर फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल वसीम साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।